गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। तो आज हम गुजराती सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ओके? तो आपको पता है कि गुजराती सब्जेक्ट में हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, और अभी आपने देखा लास्ट वीडियो में आपने देखा कि स्वर औ के बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी कितनी मात्रा होती है, उसको कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, और उसके बारे में थोड़ी एक्सरसाइज भी हमने की थी, ओके? तो आज हम वैसे ही स्वर औ पार्ट टू की आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ओके? आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 36 दिया गया है, या ओके? तो यहाँ पेज नंबर 36 पर आप देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन है खाना पूरी शब्द बनाओ। तो आगे की एक्सरसाइज आपने देखी, तो उसमें आपने देखा कि यहाँ ये बॉक्स के बाजू में चित्र भी दिए गए थे, है ना? तो ये एक्सरसाइज में आपको चित्र दिए गए नहीं है, खाली आपको नेम लिखा है, उसके हिसाब से आपको खाने पूरने हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर चार है बॉक्स, 1, 2, 3, 4, और नीचे दो, एक और दो, ओके? तो वैसे ही यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, पहला है पौराणिक और दूसरा है पौत्र। तो पौराणिक वो है, कितने लेटर का वर्ड है? 4 लेटर का वर्ड है। तो यहाँ ऊपर 4 बॉक्स है, तो वहां लिखेंगे पौराणिक। उसके बाद है नीचे लास्ट बचा वो है पौत्र। तो ऑलरेडी वो लिखा है और खाली नीचे हमें लिखना है त्र, ओके? नेक्स्ट, यहाँ लिखा है कौरव और यहाँ लिखा है कौमुदी, ओके? तो यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों में तीन तीन लेटर का वर्ड है, तो फर्स्ट जो लिखा है वर्ड वो हम ऊपर लिखेंगे कौरव और कौमुदी, ओके? नेक्स्ट, मौखिक और कौतुक, इस दोनों वर्ड 3 लेटर के हैं और पीछे देख रहे हो कि पीछे दोनों में क क आ रहा है, तो यहाँ ऑलरेडी क लिखा हुआ है, तो मौखिक पहले लिखा है इसलिए यहाँ हम पहले लिखेंगे मौखिक। उसके बाद एक वर्ड बचा वो है कौतुक, तो वो ये कौतुक हम यहाँ लिखेंगे, ओके? नेक्स्ट, यहाँ लिखा है गौ माता और यहाँ लिखा है गौशाला, ओके? तो वैसे ही हमें देना है फर्स्ट वर्ड जहाँ लिखा है वहां ऊपर हम लिखेंगे फर्स्ट गौ माता और सेकंड पे गौशाला लिखा है, तो यहाँ स्टैंडिंग बॉक्स में हम लिखेंगे गौशाला। गौ ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है इसलिए फिर से आपको लिखना नहीं है, ओके? नेक्स्ट, गौ और गौमुख, ये दोनों में फर्स्ट में वर्ड वो 2 लेटर का वर्ड है और ये गौमुख है वो 3 लेटर का वर्ड है, तो हम गौड़ हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो एक और दो बॉक्स में आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे गौड़ और नीचे लिखेंगे गौमुख। नेक्स्ट, काका कौवा और कौशिक, यहाँ 4 लेटर का वर्ड है और यहाँ 3 लेटर का वर्ड है, तो 4 लेटर का वर्ड है वो कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ ऊपर काका कौवा, ओके? और दूसरा वर्ड जो बचा वो है क्या है? कौशिक, तो वो हम नीचे लिखेंगे ऐसे कौशिक। कौ ऑलरेडी लिखा है तो कौ फिर से लिखना नहीं है, खाली शिक लिख देंगे, तो ये हम वर्ड लिख देते काका कौआ कौशिक, ओके? नेक्स्ट, यहाँ है नौकापति और नौका विहार, ये है 4 लेटर का वर्ड, ये है 5 लेटर का, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 लेटर का है यहाँ नौकापति, यहाँ हम लिखेंगे,
और नेक्स्ट यहाँ है नौका विहार, तो यहाँ हम लिखेंगे नौका विहार। ओके, बाद में है भौतिक और भौगोलिक। ओके, तो ये थ्री लेटर का है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 1, 2 और 3 बॉक्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे भौतिक। भौ ऑलरेडी लिखा हुआ है और भौगोलिक हम यहाँ नीचे लिखना है। लास्ट गौतम और गौरव, तो ये दोनों में देखो कि सेम 3 लेटर के वर्ड है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट जो वर्ड है वो हम ऊपर लिखेंगे गौतम, और लास्ट वाला ये है वो यहाँ स्टैंडिंग बॉक्स में लिखेंगे गौरव। अब है समझ में, ये सभी जो देख रहे हो कि ये सभी वर्ड हमने लिखे, वो सभी जो वर्ड है वो स्वर ओ का उपयोग किया गया वर्ड है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्र जोई शब्द बनाओ। आपकी बुक में ऑलरेडी यहाँ चित्र दिए गए हैं, तो वो देखना है और बाजू में उसका नेम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है, चलो बताओ। यस, ये है नौका, तो यहाँ हम लिखेंगे नौका। ये भी वर्ड देखो ओ का यूज हुआ है वर्ड, है ना, ओ की मात्रा का उपयोग है नौका। दूसरा ये क्या है, दवाई दिखाई दे रही है, तो ऊपर उसको हमने गुजराती में कौन सा वर्ड यूज किया है, औसत। यस, तो यहाँ हम लिखेंगे औसत। नेक्स्ट, ये कौन सा वर्ड है, चलो देखो, ये वर्ड का नेम है काका कौवा। क्या है, काका कौवा, तो यहाँ हम लिखेंगे काका कौ। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर है, हाँ 1 और 4 है, उसको गुजराती में हम कैसे रिपीट करते हैं, चौदह, तो यहाँ हम लिखेंगे चौदह। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, चलो देखो, सभी गाय बैठी है ना, गाय का पिक्चर है इसमें सभी में, तो उसको क्या बोला जाता है, गौशाला। लास्ट पिक्चर ये क्या है, मौलवी। ओके, तो ये जो वर्ड आप हमने लिखे उसमें भी ओ की मात्रा का उपयोग हुआ है। आ गया समझ में, आज हमने ये दो एक्सरसाइज पार्ट तुमने की है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।